SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN News और मैं हूं सैयद तहसीन अली। हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आज हम मौजूद हैं एक ऐसे रीति रिवाज और परंपरा को दरकिनार करते हुए प्रतिभा को ऊपर उठाने के लिए। हम बात कर रहे हैं उस समाज की जहां पर आज भी नारियों को पुरुष विशेष से नीचे रखा गया है, यानी पुरुष प्रधान समाज में नारियों की क्या अवस्था है। इस वक्त हम उस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रतिभा जो घर में रहकर कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कर सकती है अगर इन्हें थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए, समाज का साथ मिल जाए, घर वालों का साथ मिल जाए, पारिवारिक साथ मिल जाए। इनके हाथ में वो हुनर है, वो कला है जिसके दम पर ये दुनिया हासिल कर सकती हैं। लिखने में भी माहिर हैं, कविता संग्रह इनका काफ़ी अच्छा है, रचनात्मक लेखन लिखती हैं, इसके अलावा चित्रकला में भी माहिर है। तो आज इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया सिन्हा जी, जिनके रचनात्मक लेखन और चित्रकला को हमने सोशल मीडिया पर देखा है। आइए आज हम उनसे साक्षात्कार करते हैं, बातचीत करते हैं उनके इस जीवन की शैली पर। प्रिया जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी रचनात्मक लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी, शौक तो मुझे बचपन से रहा, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं उसे प्रदर्शित कर सकूं। फिर भी मैं हमेशा जब भी समय मिलता, मैं समय समय पर पेंटिंग्स करती रहती, कविताएं लिखते रहती, स्कूल के लेज़र पीरियड में भी मैं हमेशा लिखते रहती थी। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाती भी थी कि यह देखो पिंकू पेंटर आप प्रिया आर्टिस्ट बैठी है, तो मैं उनकी बातों को हंसी में टाल जाती थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उनकी बातें आज सच होंगी और मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी कि आज मेरा साक्षात्कार लिया जाएगा। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी छोटी सी कोशिश को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रही हूं आप लोगों की वजह से, और ये मैं चाहूँगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ये काम मेरी जारी रहे और मैं इससे नाम रोशन कर सकूँ, सभी का, अपने परिवार का, अपना, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने पूरे शहर का, सबका नाम रोशन कर सकूं। आपको मतलब इस रचनात्मक लेखन को आगे बढ़ाने में किन किन तरह की परेशानियां आई हैं वो बताइए। परेशानियां ये आई हैं कि पहले तो मैं जब किसी को सुनाती थी तो वो कहते थे अरे ये सब क्या है, बकवास है, इसे हटाओ हटाओ, तो मैंने किसी को सुनाना ही बंद कर दिया। तो लेकिन लिखना जारी रखा मैं, जैसे भी कोई सी नारी पर हो रहे जो भी अत्याचार होते आए हैं, जो अभी भी इतने नए ज़माने में भी नारियाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं, तो उनको ध्यान में रख कर या अपनी कुछ परेशानियों को ध्यान में रख कर, कभी दहेज को ध्यान में रख कर, कभी वो बहुत कुकृत्य जो होते हैं उनको ध्यान में रखकर मैंने खुद से लिखना शुरू कर दिया और उसका एक संग्रह बनाकर रख लिया कि कभी यदि अवसर मिला मुझे तो मैं उसे ज़रूर प्रदर्शित करूं। लेकिन बहुत दिनों तक मुझे कोई अवसर नहीं मिला, तो अचानक एक दिन मेरे घर एक मनीष नाम के लड़के आए पेपर का वो प्रचार करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपनी कविताएँ पेपर में डाल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे नंदू भैया नंदकिशोर जी का नंबर दिया। फिर मैंने उनके थ्रू बात करते हुए उन्हें कहा कि मैं लिखती हूँ, मैं आर्ट्स बनाती हूँ, कृपया मुझे इस फील्ड में मुझे एक जगह चाहिए। तो उनसे काफ़ी मिन्नत करने के बाद उन्होंने मेरे आर्ट्स को पटना फॉरवर्ड कर दिया और जहाँ से मेरी लेखन शुरू हुई, मतलब प्रकाशित होना शुरू हुई, जनपद न्यूज़ में आनी शुरू हुई, तब से मेरी हौसले और अफजाई हुई, मेरे हौसला बढ़ी, तो मैंने उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं लिखती चली गई, पोएम्स प्रकाशित होते चले गए, उसके बाद मैं फेसबुक से जुड़ी, फेसबुक से जुड़ते हुए मेरे आर्ट्स को बहुत लोगों ने पसंद भी किया, मैंने उसका एक पेज भी बनाया, गैलरी भी बनाई, उसको काफ़ी अच्छे मतलब मिले मुझे रिस्पॉन्स, तो मैं उसे बनाती चली गई। फिर मुझे 2016 में एक प्रकाशन संस्था से जुड़ने का अवसर मिला, तो मैं ऑनलाइन के थ्रू उनसे जुड़ी, अपनी कविताएं उनको भेजा, उन्हें पसंद आई, उन्होंने प्रकाशित करी, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट वहीं से भेजा। फिर दूसरा मुझे दिल्ली में ऋषि अग्रवाल जी द्वारा, उनके प्रकाशन द्वारा मेरी कविताएं को सिलेक्ट किया गया, मुझे अवार्ड के लिए दिल्ली बुलाया गया और मैं वहां गई, मैं वहां सम्मान हासिल करके आई। मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरी मेहनत थोड़ी ही सही रंग तो लाई। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप इस तरह की चीज़ें लिखती हैं, रचनात्मक लेखन है, जैसे कविताओं के बारे में हमने सुना है, अब दर्शकों को आप अपनी पसंदीदा कविता सुनाना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने खुद के बारे में ही लिखा है, तो मैं उसको सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी, मतलब मैंने अपने आप को मेंटेन किया है, मैं उसको कुछ लाइनों में व्यक्त करना चाहूँगी। वो शीर्षक है कौन हूँ मैं, तो मैं हूँ पिंकू, मैं हूँ प्रिया, जैसे नीले आकाश में उड़ती एक
आजाद मनचली सी चिड़िया, जैसे हंसने और हंसाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया। मैं हूँ पिंकू, मैं हूँ प्रिया, मैंने हर हाल में सीखा है मुस्कुराना, भुलाकर अपनी सारी तकलीफ और मजबूरियाँ। मैं तो दुखों में भी खुश होती हूँ ऐसे, जैसे खुश होती है कोई बच्ची पाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मैं हूँ पिंकू, मैं हूँ प्रिया। कुछ एक लोगों ने कहा मेरे बारे में कि ये तो है एक जहर की पुड़िया। सच ही तो है, जैसे जहर का काम होता है मारना, वैसे मैं भी मारती हूँ नफरत को मिटाकर दो दिलों के बीच की दूरियाँ। मैं हूँ पिंकू, मैं हूँ प्रिया। जी बहुत खूब। मैं हूँ पिंकू, मैं हूँ प्रिया, इन्होंने अपनी जीवन पर एक चीज़ें लिखी। बात कई ऐसी रचनाएं हैं इनकी जो इन्होंने सामाजिक सरोकार पर भी लिखी और समाज में इस वक्त चल रही कुरीतियों पर भी लिखी है। आइए कुछ और बातें हम करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। तो प्रिया जी, आप ये बताइए कि जब ये सब लिखने के बाद आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है, आपको एक अवसर नहीं मिल पाता है, उस वक्त आपका मानसिकता क्या कहती है? मानसिकता तो मेरी कहती है कि हार मान लूँ, जो चल रहा है वो कर लूँ, जहाँ शादी लग रही है वहाँ लग रहा हूँ। लेकिन फिर अचानक से मुझे एहसास होता है कि अरे ये मैं क्यों हिम्मत हार रही हूँ, मैं हिम्मत क्यों हारूँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे कुछ कर दिखाना है। मेरे अंदर वो आत्मविश्वास फिर से जाग उठता है और मैं फिर से लिख बैठती हूँ, मैं फिर से कुछ नया कर बैठती हूँ और लोगों को पसंद आ जाती है। इसी बात पर मैंने एक कविता और लिखी है जो मैं चाहूँगी कि दर्शक उनसे रूबरू हों। ये कविता आपके सवालों पर आधारित है। मेरी जिंदगी, ये कविता का शीर्षक है। जितना ही मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही अत्यधिक उलझनों में मुझे उलझाती जा रही मेरी ज़िंदगी। चाहती तो हूँ मैं भी खूब हंसना मुस्कुराना दिल से हर दिन हर पल, मगर अब तो और भी पल पल मुझे रुलाती जा रही मेरी ज़िंदगी। एक एक कर सारे ही ख्वाब मेरे टूटते बिखरते हैं जा रहे, और मेरे टूटे सपनों पे हंस के मुझे चिढ़ाती जा रही मेरी ज़िंदगी। कहती है मुझसे तू लौट जा वापस अपनी हकीकत की दुनिया में, सारे ख्वाब पूरे हो सके तुम्हारे, ऐसी कोई ऐसी बात ज़रूरी तो नहीं। हर दिन इस कड़े अनुभवों से रूबरू मुझे कराती जा रही मेरी ज़िंदगी। पर नादान एक दिल है मेरा, जो ये किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं, इसलिए ही तो नित नए ख्वाब बेसब्री से मुझे दिखाती जा रही मेरी ज़िंदगी। क्या हुआ आखिर जो मेरा कुछ एक सपना टूट कर है बिखर गया, उन टूटे सपनों को संजो कर फिर से पूरा करने को मुझे उकसाती जा रही मेरी ज़िंदगी। और ज्यों ही मैं उन टूटे हुए सपनों को संजो कर निरंतर आगे बढ़ी, तो मेरे दृढ़ संकल्पों को देख हिम्मत मुझे बंधाती जा रही मेरी ज़िंदगी। कहती मुझसे तेरे ख्वाब अवश्य ही पूरे होंगे, ना हो तू उदास ना ही हो तू निराश, क्योंकि आती है जरूर ही एक नई चमकीली सुबह अंधेरी काली रात के बाद। इस तरह के विश्वस्त संवादों से विश्वास मुझे दिलाती जा रही मेरी ज़िंदगी। बिल्कुल, विश्वास दिलाती जा रही है इनकी ज़िंदगी, और इन्हें पूरा विश्वास है कि इस तरह इनको एक्सपोजर मिलेगा, ये आगे ज़रूर बढ़ेंगी, एक अवसर आएगा, मुकाम आएगा जब ये आगे बढ़ेंगी। आइए कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर हम इनके बात करते हैं। जब आप इन चीज़ों को लिखती हैं या फिर आप जो चित्रकला करती हैं उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए कि आपकी जो पेंटिंग्स है, जो आप आर्ट गैलरी अपनी तैयार की, वहाँ पर आपके पेंटिंग करते वक्त क्या दिमाग में चल रहा होता है? दिमाग में यही चलता है कि मैं जितना अच्छा से अच्छा कर सकूं, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं वह पूरी कोशिश अपना लगा देती हूं। उस वक्त मैं नहीं रह जाती, कोई और हो जाती हूं मैं, मतलब एक जुनून सा सवार हो जाता है कि मेरी मेहनत रंग लानी है, मुझे सभी को कुछ कर दिखाना है। तो उस जोश और जुनून में मैं कुछ अच्छा करने की ठान लेती हूं तो कर ही लेती हूं, और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं ज़रूर करती हूं। मैं कार्टून्स ज़्यादा पसंद करती हूं, इसलिए मैं कार्टून्स बनाती हूं, उसे पेंसिल से स्केच करके, कभी वाटर कलर से, कभी पेंसिल कलर से, कभी वैक्स से, तो कभी डायरेक्टली माउस से भी बनाती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस बना रखे हैं जो मैंने डायरेक्टली कंप्यूटर पे तैयार किए हैं, मतलब उसे ड्रॉ भी किया, उसे कलर भी किया, और उसे मैंने माउस मेड आर्ट्स के नाम से बना रखा है। अच्छा, आपकी कोई ख़ास पेंटिंग जो फेसबुक पर लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की हो?
और ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि मैक्सिमम पेंटिंग्स में मेरे 100+ लाइक्स आती हैं। तो किसी एक को ख़ास बनाना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मुझे तो अपनी हर पेंटिंग पसंद आती है और मैं चाहती हूँ कि जब मुझे पसंद आए तो सभी को ज़रूर पसंद आए। तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी खास है, क्योंकि मेरे लिए सभी खास है। जैसे एक बच्चे को अपने चार बच्चे चारों पसंद आते हैं, उसी तरह ये मेरे बच्चे के समान है और मुझे हर पेंटिंग पसंद आती है। तो आप इरेजर पेंटिंग भी करती हैं, उस पेंटिंग की खासियत के बारे में बताएं। जी, वह एक शेड आर्ट है जो कि जनरली लोग बनाते हैं कि पेंसिल से बनाते हैं और इरेजर से मिटाते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप पेंसिल से मिटाते हैं और इरेजर से बनाते हैं, यहाँ उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल का जो होता है लिड होता है उसको मैंने डस्ट के रूप में यूज़ किया और इरेजर को मैंने पेंसिल के रूप में यूज़ किया, तो वो एक शेड आर्ट बन गया। थी अपनी कला के बारे में बता रही थी, आइए हम इनसे जानते हैं कुछ ख़ास बात कि आगे की ज़िंदगी में किस तरह के एक्सपोज़र यहाँ से चाहती हैं। जी, मैं पहले तो चाहूँगी कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ, मैं कुछ ऐसा ज़रूर कर सकूँ कि मैं अपनी जीविका खुद चला सकूँ। इसके लिए मुझे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई बहन या हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मेरी शादी जिससे भी हो वो मेरी काबिलियत से शादी करे, ना कि मेरे सूरत से, ना ही मेरी दौलत से, वो मेरी काबिलियत से, मेरे अंदर मौजूद जो भी गुण हैं उनसे प्रभावित हो, उनसे शादी करे, वैसे करे। ये नहीं कि हाँ इसके पास बहुत दौलत है या बहुत खूबसूरत है, ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। तो मेरा हमेशा से यही सपना रहा था बचपन से कि मैं कुछ करूं और अपने दम पर, अपने पैरों पर अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाऊं, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश का मान बढ़ाऊं। और जाते जाते एक अहम सवाल आखिरी में पूछना चाहेंगे कि आप जैसी और भी कई महिलाएं होंगी जिन्हें एक्सपोज़र नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप उनके अभिभावक के लिए कोई ख़ास संदेश देना चाहेंगे, वैसे कलाकारों के लिए कोई ख़ास संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके कोई भाव नहीं होते, उनके कोई भाव नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, मीन्स चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हैसियत कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो भी हैसियत नहीं है, यदि वो अच्छी नहीं है तो भी हैसियत नहीं है, यदि उसके पास धन की कमी है तो भी हैसियत नहीं। तो इसलिए उनके कोई इमोशंस कोई नहीं समझेंगे, उनके अंदर कितनी भी अच्छी फीलिंग्स हो उसे शायद ही लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले उनके हैसियत को बनाने में, उसको निखारने में उन्हें घर वाले उनकी मदद करें, उन्हें सही मुकाम पर पहुँचाएँ, हैसियत उन्हें पढ़ने लिखने में मदद करें, उनके अंदर जो भी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको निखारने में मदद करें, ताकि वो अपना भाव को सबके सामने रख सके, यानी कि अपने फीलिंग्स को सामने रख सके। उनकी फीलिंग्स सभी समझी जाएगी जब उनके हैसियत होगी, जब उनके भाव में वो भाव होगी। मेरे कहने का यही मतलब है। और एक और बात कहना चाहूँगी, पानी हो गर मंजिल, इरादा मजबूत से कदमों को निरंतर ही आगे चलाना पड़ता है, यूं ही नहीं निखरता कोई भी शख्स यहाँ ऐसे, आजमाइशे ख्वाहिश की आग में पहले खुद को जलाना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अगर आजमाइश में है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको आप सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें, तभी वो अपना मुकाम पा सकते हैं। बिल्कुल, ये बता रही थी कि आजमाइश में ख़ुद को जलाना पड़ता है। तो ये थी प्रिया सिन्हा जी जो अपने दर्द को बयां कर रही थी, अपने हुनर में किस तरह की पाबंदियाँ उनको बता रही थी। ये है पिंकू, ये है प्रिया, समाज से अलग होकर लिखती हैं बहुत ही बढ़िया। इनके बारे में, इनकी खासियत, इनकी जीवनी पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं और जाते जाते ये संदेश भी इन्होंने दिया कि अभिभावक को आवश्यकता है कि अपने बच्चों के इस हुनर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हुनरमंद की यहाँ पर बहुत कदर है। अगर आप उनके हुनर को दाब देते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रतिभाशाली कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है। तो व्यक्ति विशेष में आप हमारे साथ बने रहिएगा, SDN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहिएगा। प्रिया सिन्हा जी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।